क्वेश्चन नंबर ये है आपकी बुक का एड, एनालिटिकल का एड है। हाँ, ये ताहा पूछ रहे थे यहाँ पे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने इंस्टॉलमेंट पे ही ना की हो। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मुझे तो यही रिस्क देखना है कि पे की है या नहीं किया। तो ये मुझे कैसे पता लगा? असेस करके जब मैंने रीकैलकुलेशन की, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, यानी भेज दिया ग्रुप पे मैंने। नहीं तो अब तो अपेरेंट पता लग गया ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर कर गया ना, तो अब इंक्वायरी करेंगे ना। क्या अबे कैसी बातें कर रहा है, रिस्क कौन निकाल रहा है? तो मैं रिस्क निकाल इसलिए रहा हूं ना कि कोई चीज गलत ना हो। तो यही तो कंफर्म करूंगा जाके कि भाई क्या ये रिकॉर्ड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। रिस्क पता लग गया ना कि यहां गलती हो सकती है। वो बोले चार अनएक्सप्लेन्ड फ्लक्चुएशंस और इनकंसिस्टेंसीज बतानी है। आई थिंक ये एनालिटिकल की डेफिनेशन से ही निकाला है इसने, फ्लक्चुएशंस और इनकंसिस्टेंसी। फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि पिछले साल के मदले में इस साल का कंपैरिजन। आप फ्लक्चुएशंस देखें और फिर इनकंसिस्टेंसीज देखें कि कौन सी ऐसी चीजें हैं सवाल के अंदर जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो कि हो नहीं सकती। मैं पहला रीड करके आपको खाली हिंट देता हूं, आप खुद कीजिएगा। इसमें सबसे पहली चीज लिखी हुई है, ड्यूरिंग द ईयर सेल्स प्राइस ऑफ डीपीएल प्रोडक्ट्स वर इंक्रीज बाय 20% टू ऑफसेट द कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो कह रहा है 20% से आप लोगों ने अपनी प्राइस को क्या किया है, इंक्रीज कर दिया है। सही है जी, ये ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिली है। और ऑडिटर को इंफॉर्मेशन कैसे मिली होगी, जब उसने इंक्वायरी की होगी, जब उसने अब उस इंक्वायरी के बेस पे ये एनालाइज करेगा। मुझे एक बात बताओ, सिंपल चीज है, 73,000 पे लगाओ 20%, 73,000 पे लगाओ 20%, 73 पे नहीं सॉरी बल्कि नहीं नहीं ये उल्टा है, सही है सही है, 22 ही है ये, 22 ही है, नहीं नहीं ये 22 ही है, सही है। 73,000 पे लगाओ, 73,000 पे लगाया कितना भाई, 14,600 आ गया। अबे भाई ऊपर ईयर आगे पीछे है, 73,000 पे लगा दो कितना, 20% कितना आ गया। अच्छा अब अगर मैं यहां पर ये देखूं कि भाई मैंने 73,000 के ऊपर अगर 20% लगा दिया, तो मैं कह रहा हूं कि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने अपनी सेलिंग प्राइसेस को क्या किया है, इंक्रीज किया है। अच्छा अगर मैं 73,000 का 20% ऐड करूं जो आया था, कितनी बनती है सेल्स, 87 आ कितनी रही है, दैट मींस नहीं, पर ओवर स्टेटमेंट क्यों है। अब अरे मेरी जान, मेरे को पता है 21-22 इधर है, मैं कैलकुलेशन करवा रहा हूं सुकून से, मेरे को बोलने दो पहले। इधर ईयर आगे पीछे है, मुझे पता है 73,000 वाला ईयर 21 है, ये वाला 22 है, सही है, ये मुझे पता है। इधर सुनो, सवाल में लेके आओ, मुझे नहीं पता होगा। तो देखो मुझे एक बार बताओ, 73,000 पे आपने 20% लगा दिया, सही है, 73,000 इंटू 1.2 करो कितना आता है। अच्छा भाई हमने कहा, हम इसको यहां से निकाल के ले गए, आपने कहा 87,600, यानी इवन इफ यू इंक्रीज योर सेलिंग प्राइसेस बाय 20%, योर सेल्स वुड हैव बीन 87,600 एंड योर सेल्स इज नाउ विच इज हाउ मच परसेंटेज अबव। कैलकुलेट करो, इससे आगे देखना, इससे आगे देखो, इससे आगे कितनी ऊपर है, 22.4%, चेक कर लो। आपको लिखने का तरीका सिखाता हूं, 25.6%। अच्छा भाई यानी आप कह रहे हैं 20% डालने के बाद भी 25% ऊपर है, ऐसा है, पक्की बात है भाई, नशेइयों हाँ या नहीं, ऐसा है ना। मैं कह रहा हूं 20% इंक्रीज करने के बाद भी मेरी सेल जो अभी एक्चुअल में रिपोर्टेड है वो 25% ज्यादा है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं सवाल को एनालाइज करने का तरीका,
आप बिजनेस माइंडेड होकर सोचो, आप ऑडिटर बन के सोचो, आपने कहा 20% की आपने प्राइस इंक्रीज की, मैंने कहा चलो मान लिया 20% रेवेन्यू इंक्रीज हो गया होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपकी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई हो, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपकी क्वांटिटी भी, पर यहां से क्या लग रहा है क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है, तो क्या ये इनकंसिस्टेंट है? पक्की बात है। कैसे इनकंसिस्टेंट है? एक्सपेक्टेड वैल्यू से एक तो डिफर कर रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से एक तो डिफर कर रहा है, और दूसरा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये इनकंसिस्टेंसी आपने यहां से पकड़ी कि भाई सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने से आपकी क्वांटिटी हमेशा क्या आता है, कम होती है, और ये जो बाकी सेल्स हो रही है फिर वो क्या फैक्टर दिखा रही है क्वांटिटी का, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसको लिखने का तरीका ये होगा जो आप इंग्लिश में आप खुद लिखेंगे। क्लियर है? चलें जी, मैंने आपको सिखाया आप सिचुएशन सवाल से ही पिक करें। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स प्राइस ऑफ डीपीएल प्रोडक्ट्स इंक्रीज बाय 20%। इफ वी इंक्रीज लास्ट ईयर सेल्स बाय 20%, दिस बिकम्स दिस अमाउंट, यानी वो हमारी हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड द करंट ईयर सेल्स इज 110, विच इज कितने परसेंट हायर? 25.6% हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इंडिकेट्स दैट द रेवेन्यू माइट हैव बीन, एज दिस इज नॉट पॉसिबल दैट व्हेन यू इंक्रीज प्राइस योर क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज। तो आपने ये बता के खत्म कर देनी है कहानी, अपने उर्दू के जज्बातों को इंग्लिश में लिखो बस। शैजल ने लिखा है कि डिस्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 20%, सेल्स बाय नहीं, फिर गलत हर्ट कर दिया ना, सेल्स प्राइस। सेलिंग बाय क्वांटिटी विल नॉट डिक्रीज बट एक्चुअल सेल्स इज इनकंसिस्टेंट विद द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स शोज क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। थोड़ा इंप्रूव करो भाई इसको। आई थिंक तुम लोगों को एनालिटिकल पे और प्रैक्टिस चाहिए, मंगती है, बहुत ज़्यादा कराएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, पहला पॉइंट लिखा, अच्छा आप लिख ही रहे हो तो एक चीज सुनो, मैं तुम्हें इसको हल्का सा ट्विस्ट करके बताऊं। अब जैसे लेट से मैंने बताया था मैं स्कूल्स का भी ऑडिट करता हूं, तो मुझे एक चीज पता याद आई, जैसे ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली ना मैंने इंक्रीज करके, अब जैसे बच्चा मुझे रिव्यू करवाने आया, मैंने उसको बोला कि यार मुझे एक बात बताओ, क्या स्टूडेंट्स में कोई क्वांटिटी में इंक्रीज आया? उसने बोला जी सर बिल्कुल आया। तो मैंने कहा कितना इंक्रीज आया? उसने बोला सर इस क्लास में इतना, इस क्लास में इतना, इस क्लास में इतना। मैंने कहा टोटल बताओ, उसने टोटल बता दिया। अच्छा अब सवाल भी इस नौयत का आ सकता है, सवाल भी इस नौयत का आ सकता है। कैसे? वो आपको बोलेगा कि भाई आप एक स्कूल का ऑडिट करने गए जिसमें लास्ट ईयर ये स्टूडेंट्स थे, इतने से ये इंक्रीज हो गए। तो अगर मैं ये करूँ सिंपल कि भाई नए स्टूडेंट्स पे नई फीस चिपका दूं और पिछले रेवेन्यू को ऐड कर दूं, इस साल का रेवेन्यू बनना चाहिए, सीधी सीधी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना, सीधी सीधी, दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी आप एनालाइज करके एक अपनी अमाउंट निकाल रहे हो, एक एनालाइज करके अपनी अमाउंट। अच्छा अगर मुझे एक बात बताओ, आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू इससे मैच कर जाए तो आपको थोड़ा सुकून आ जाएगा, क्योंकि आपको एक एविडेंस मिल जाएगा कि मेरी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही है। पर अगर एक्सपेक्टेशन गलत हुई तो वहां पर रिस्क क्या होता है? तो आपने वहां पे फोकस करना होता है कि चेक करना होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग क्यों है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, हुआ क्या, उसने बोला कि सर इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए। मैंने कहा जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो रेवेन्यू मैच नहीं किया। उसने बोला सर फीस भी इंक्रीज हुई है इस बार। तो मैंने क्या किया, पहले तो प्लीज बहुत फोकस होकर सुनना, एक्सपेक्टेशन बनाने की भी तमीज होती है। पहले तो पिछले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे, पिछले साल का रेवेन्यू, उसमें से फी इंक्रीज लगा दिया। नहीं आई बात समझ? उसमें से फी इंक्रीज लगा दिया। क्यों?
नहीं देखो ओरिजिनल जो रेवेन्यू था लास्ट ईयर का उसमें से फी का इंक्रीज लगा दूंगा ना, तो वो इस साल के रेवेन्यू पे आ जाएगा, क्योंकि जो लोग पिछले साल थे वो इस साल भी हैं, सिर्फ रेवेन्यू का इंक्रीज लगा दिया, वो एक अमाउंट आ गई। मैंने कहा क्या नहीं है इसके अंदर, नए बच्चे नहीं है, तो नए बच्चों को मैंने अलग से ऐड कर दिया पुरानी फीस पे, न्यू फीस पे, वेरी गुड, न्यू फीस पे। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन बनाई ना मैंने, एक्सपेक्टेशन बनाने का एक तरीका है, वो आपको देगा सफिशियंट डेटा टू प्रिपेयर एक्सपेक्टेशन। आपने दिमाग लगा के मैथ्स लगा के उसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, जो अमाउंट आई और जो आंसर सामने दिख रहा है, इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है वो कहलाती है इनकंसिस्टेंसी। क्या कहलाती है? दैट डिफर फ्रॉम आवर एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट डिफर फ्रॉम आवर, इसकी हम इंक्वायरी करते हैं और फिर जाके चेक करते हैं कि ये मसला क्यों है। अब मैंने जब ये चेक किया तो मेरा आंसर मैच नहीं किया था, फिर मैंने पूछा बच्चे से, भाई ये आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? बोले सर मैं तो वाउचिंग करके आया हूँ, देख ले। मैंने कहा वाउचिंग को तुम साइड में रखो, पहले मुझे ये बताओ कि ये मैच क्यों नहीं कर रहा। हमने क्लाइंट को कॉल की, उसने बोला कि सर देखें इसमें आपने गलती ये की है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम डिस्काउंट भी देते हैं, आपने डिस्काउंट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तो मैंने कहा अगर मैं डिस्काउंट्स को इनकॉर्पोरेट करूं क्या ये बैठ जाएगा? उसने बोला बिल्कुल। मैंने कहा डिस्काउंट्स के अप्रूवल देखो, मैंने जैसे ही वो माइनस किया मेरा आंसर फिक्स मैच हो गया। पर ये सही कब हुआ? इंक्वायरी पर वो मुझे पता कब लगा? जब मैंने रिस्क असेस किया था और वाकई में मसला था। मसला इन अ सेंस ये था कि भाई कोई इंडिविजुअल बंदा रिकैलकुलेट करे तो उसका आंसर भी मैच नहीं करता। तो मुझे एक पता लग गया ना, मुझसे मेरा पार्टनर पूछे क्या रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन क्यों आई? मैं सर फीस इतने से इंक्रीज हुई, इतने नए बच्चे हैं, इतना डिस्काउंट दिया, हो गया ऑडिट। पर क्या पूरी फिंगर टिप्स पे है ऑडिट? अब ऑडिट बेवकूफी क्या होती है? जाके वाउचर चेक करना, ये वाउचर चेक करना नहीं, आप एनालाइज करें। टारगेटेड ऑडिट होता है कि टारगेट पे पहुंचने के ये चेंज हुआ तो क्यों हुआ है। बात क्लियर? तो मैं एक व्यू दे रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको ये वैल्यू निकालने को इस तरीके से आ जाए। तो हम मल्टीपल सिनेरियोस देखते हैं। खैर, लिख लिया आप लोगों ने पहला? अच्छा भाई, जैनब लिखती है यहाँ पे, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर सेल्स द करंट ईयर एक्सपेक्टेड सेल्स शुड बी 87,600 आफ्टर 20% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। वेरी गुड जैनब, बट देर इज 25.5%, बट देर इज नहीं, बट द एक्चुअल रेवेन्यू इज 25.6% मोर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। देर माइट बी अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू एज द एक्चुअल सेल्स आर मच मोर देन द हायर। नहीं, थोड़ा सा तुमने इंग्लिश आगे पीछे कर दी, पर एक्चुअल सेल्स तुम ओवर स्टेटेड क्यों बता रहे हो, क्यों कह रहे हो? हाँ भाई, नहीं 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 यार, क्वांटिटी की वजह से तुम बोलो इट इज लीस्ट लाइकली कि वेन एवर वी इंक्रीज प्राइस क्वांटिटी टेंड टू डिक्रीज, वो इंक्रीज हो नहीं सकती। उसको ये लॉजिक दो, उसको बताओ कि तुम्हें लॉजिक पता है भाई, तुम्हें इकोनॉमिक्स आती है कि जब प्राइस में इंक्रीज करूंगा तो मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये जो इकोनॉमिक्स तुम पेल के आए हो ना, वो यहाँ काम आएगी। सही है ये, वो तेरी शक्ल पे दिख रहा है एग्जाम था पंगी। चले जी, हाँ भाई कोई और सुनाए जल्दी। ताजदार ये वाला सेल्स वाला लिखा? वाह, जो मैंने बताया चौसी वही नहीं लिखा, सुनाओ। अच्छा मैं रिपीट भी करूंगा यहाँ पे लोगों के लिए, एज ड्यूरिंग द ईयर डीपीएल इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 20%। सही, अच्छा ये लिखना भी जरूरी नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली चीज तुम हटा भी दो। खैर, तुमने बोला ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय, आगे नहीं, अब तुम यू इससे एक्सपेक्टेड नहीं, तुम बोलोगे इफ वी इंक्रीज आर प्राइस रेवेन्यू बाय 20% इट बिकम्स, यस गिविंग द प्राइस इंक्रीज। सही जी, आगे नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, ऐसे नहीं लिखते, ये बिल्कुल एक वो वाली अंग्रेजी है कि बिल्कुल बच्चा लिख रहा है। आप बोलेंगे द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द रेवेन्यू ऑफ 110,000 विच इज, yes, which is 25% higher than the expected value. There is a risk of overstatement of revenue because very good. This is not possible that whenever we increase prices, quantity also increase. ये बिल्कुल सही बोले, यानी आपने conclude कर दिया आखिर में कि हम ये इस बिना पे कह रहे हैं कि selling price के increase होने पे quantity increase नहीं हो सकती। अच्छा मैं कह रहा हूँ हो भी जाए तो मुझे कौन प्रूफ करेगा? क्लाइंट। तो क्या मैंने रिस्क गलत आइडेंटिफाई किया है? नहीं सर, रिस्क मैंने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हाँ भाई, एनीवन एल्स?
तो मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी छोटी चरस 73,000 से जब मैं इंक्रीज करूंगा 20% तो रेवेन्यू कितना बन रहा है 87,600। रेवेन्यू रिपोर्ट कितना हुआ है 1.10। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, बाकी क्वांटिटी इंक्रीज क्यों दिखा रहा है वो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज डाल दिया तो बाकी जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ वो किस वजह से हुआ है। सही है, वही कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये होना नहीं चाहिए, इसी पे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, DPL revenue increases by 25.6% despite of 20% increase in selling price. The expected value by 20% increase is 87,600, which is lower than. So there is a risk of overestimated revenue because selling price and quantity have inverse relation. वाह भाई वाह, आपने जान छुड़ाई, आपने बोला चलो भाई इनवर्स रिलेशन करके साइड में लगाओ सवाल को। भाई कॉन्सेप्ट देना है, प्यार से बताना है उसको, समझाना है उसको। DPL has obtained loan of 20 million on 30 June. अच्छा इसने दूसरा भी बता दिया, खैर दूसरा रीड करते हैं। हाँ भाई, एनी वन एल्स? जी सुनाओ। वेरी गुड यार, अब देखो, अब तुम यूं सोचो, देखो एक मिनट रुको लिखना, मैं तुम्हें एक सोचने का तरीका बताता हूँ। अभी तो खैर तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू हुई है ना, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी अगली चार और क्लास से एनालिटिकल करा दूंगा, मुझे कोई गम नहीं है, हाथ साफ हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद एक बार इस मैपिंग हो गई ना कि लिखना कैसे, चीज़ें कैसे निकालनी है फाइनेंशियल से, तो फिर तो घूम फिर के वही चीज़ें आनी है, नए नए सिनेरियोज में चीज़ तो वही आएगी ना, तो एटलीस्ट 5 में से 4 पिक कर लोगे, लिख तो पाओगे ना, ये कह रहा हूँ। कहने का मकसद ये, लिखना हमेशा ऐसे कि किसी को कह रहे हो, यानी प्रैक्टिकली आपसे कोई पूछे यार फाइनेंशियल्स में देख कोई मसला दिखता है, तो ये तो आप क्या कहोगे, 20% से प्राइस इंक्रीज हुई है, तो आप एग्जिस्टिंग रेवेन्यू पे कितना लगा दोगे 20%, तो आप बोलोगे ना देख यार ये इतनी वैल्यू बनती है और फाइनेंशियल्स में इससे ज़्यादा आ रही है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइस इंक्रीज करूँ और क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज हो। तो वही बातें कहने का तरीका, ड्राफ्टिंग भी वैसी होनी चाहिए। सही है, अब एक बंदे को तुम यूं कहो यार इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है, हो ही नहीं सकता, वो बोला भाई क्या नहीं हो सकता बता तो सही, नहीं भाई हो ही नहीं सकता इन्वर्स रिलेशन होता है। भैया पहले बताओ कि करंट ईयर का रेवेन्यू अगर मैं 20% से बढ़ा दूं ड्यू टू प्राइस इंक्रीज, तो फिगर बनती है ये आ रही है, ये कितने परसेंट ज़्यादा है 25%, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं ये मान ही नहीं सकता कि प्राइस इंक्रीज की वजह से क्वांटिटी भी इंक्रीज हो। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलिए जी, यानी मैं सिर्फ पहला रीड करवा रहा हूँ, खुदा के वास्ते आप सिर्फ यही रीड कीजिएगा रेवेन्यू वाला। अच्छा भाई, इफ वी इंक्रीज लास्ट ईयर सेल्स बाय 20% दिस बिकम्स 87,600 एंड द कंपनीज करंट रेवेन्यू इज 110 विच इज 25.5% हायर देन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सेल। इफ वी इंक्रीज प्राइस देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ रिडक्शन इन डिमांड, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट। देखो ये वही कह रहा हूँ, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, तुम लिखना सीख रहे हो, इट्स बेटर कि यहाँ सीख जाओ रदर देन वहाँ पे जाके कोई ब्लंडर मार के। और देखो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का कि भाई मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफर कर दी, अब देखो उसने किया क्या है, उसने डेफिनेशन को किस तरीके से प्रैक्टिकलिटी में कन्वर्ट किया है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ रही है, एक्चुअल क्या आ रही है, उसमें इनकंसिस्टेंसी, तो बताओ क्या रिस्क है, क्लियर है? अब मुझे जल्दी से इसमें लोन पे देख के बताओ लोन पे क्या रिस्क है, और लिख के बताओ, पर लिख के बताएं ना, लिख के बताएं क्या सीन है, पूरी कहानी लिखो। खिजर ने लिखा है, वेरी गुड खिजर, आगे भी लिखो, बिल्कुल सही लिखा है यहां तक। लोन की एक्सपेक्टेड वैल्यू समझ आ रही है?
एक मिनट बस, शेजिल इंग्लिश सही कर भाई, एंड पेड इन 10 इक्वल पेड नहीं रीपेएबल है ना, भाई अभी तुम लोगों में से कुछ सुनाएगा ये चुप बैठे हुए हो। सुना दे उषा सुनाओ। अच्छा पहले मैं एक मिनट यहाँ पे बता दूं इनको, जैसे भाई यहाँ पे उषा रीड कर रही हैं कि लोन ऑब्टेन किया गया है, रीपेबल है कितनी इंस्टॉलमेंट्स में, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्वार्टरली, सही है जी, और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल ली आफ्टर ऑल द रीपेमेंट्स कितनी, 4 मिलियन, सही है, आगे बताओ। वेरी गुड, विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इज 6 मिलियन, बेहतरीन। वेरी गुड, यार देखो क्या ड्राफ्टिंग है माशाल्लाह, बेहतरीन। यानी इन्होंने बोला कि भाई रिस्क के ओवर स्टेटमेंट ऑफ लोन का क्यों, दो वजह हो सकती है, या तो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया चर्सी ने, या तो रिकॉर्ड किया बट पे किया ईयर एंड के बाद। तो अगर मैं क्लाइंट से जाके पूछ लूं कि भाई तुम मुझे एक बात बताओ क्लाइंट, क्या तुमने वाकई में इसको पे नहीं किया, तो वो बोल दे हाँ नहीं पे किया, तो मतलब बिल्कुल सही है। और फिर मैं बोलूंगा ईयर एंड के बाद पे किया, तो वो खुद बता देगा हाँ ईयर एंड के बाद पे किया, पर क्या मैंने अभी रिस्क गलत आइडेंटिफाई किया है, नहीं सर बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू से वो डिफर कर रहा है, जो कि आइडियली करना नहीं चाहिए, सही है जी। हसीब लिखते हैं, As DPL obtained a loan on 30th June, which is repayable in 10 equal quarterly installments. Therefore, the remaining installment on 30th June 2020 will be, नहीं loan amount, remaining installment नहीं, loan amount will be, expected value will be 4 million and according to the financial position, which is inconsistent. गलत यार, तुम पूरा बताओ ना कि भाई financials में ये आ रही है. This indicates कि आखिरी installment पे 2 million की installment है ना? तो यानी सीधा सीधा लग रहा है कि जो आखिरी इंस्टॉलमेंट है वो मेरे ख्याल से अभी तक पे नहीं हुई है। चलें ये सुनाओ, तुम ताजा सुना देते। सही है, बेहतरीन है। यानी भाई आपने ये बता दिया कि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये आ रही है, फाइनेंशियल्स में ये आ रही है, दिस इंडिकेट्स इनकंसिस्टेंसी और माइट बी ड्यू टू द फैक्ट कि इसमें रिस्क के ओवर स्टेटमेंट ऑफ लोन का, और क्यों, या तो उसने रिकॉर्ड नहीं की होगी तो पे किए ईयर एंड के बाद। आओ जी ये देख लो पहला वाला, इट सीम्स दैट द डीपीएल हैज फेल्ड टू मेक द क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट ऑफ इट लॉन्ग टर्म लोन और हैज मेड डिलेड पेमेंट, दिस मे रिप्रेजेंट डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ DPL. Furthermore, no accrual of finance cost for the last quarter has been made. देखो, expected value में आपने एक चीज मिस कर दी, finance cost. क्या? नहीं 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 नहीं, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू में आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी निकाले ना। चलो मुझे ये बात बता, लोन कब लिया है? चलो यहां से बना लेते ना, 30 जून 2019। हाँ जी इधर देखिएगा भाई, 30 जून 2019 को हमने ये लोन ऑप्टेन किया है, सही है जी। अच्छा भाई लोन ऑप्टेन किया था कितने का? 30 मिलियन का। अच्छा भाई हमने कहा कि भाई यहां पर 20 मिलियन का लोन ऑप्टेन किया है, या प्लीज फोकस हो गया था देखना। अच्छा भाई अगर मैं ये कहूं कि क्वार्टरली पेमेंट्स हो रही हैं, तो 2021 तो पिछला साल है, 2021 तो पिछला साल है। अच्छा क्वार्टरली कितनी पेमेंट्स हो रही हैं? 2 मिलियन की, ऐसा ही है। क्या हम ये कह सकते हैं कि सर 2 मिलियन की पर क्वार्टर की जो पेमेंट है, जिसकी वजह से मेरा ओपनिंग बैलेंस
2022 का कितना रहा होगा? हाँ भाई कितना रहा होगा चार पेमेंट्स के बाद? 12 मिलियन। अच्छा भाई 12 मिलियन पे आपने लगाया होगा इंटरेस्ट रेट कितने का? 9% इंटू 3/12 कितना आया? 0.27। ये 2 मिलियन पे हो गया होगा और 2 मिलियन के बाद आ गया 10 मिलियन। ये भी 9% इंटू 3/12 कितना? 0.225। आपने 2 मिलियन पे किया, 8 मिलियन बचा, 9% इंटू 3/12 ये कितना आ गया जी? 0.18। अच्छा भाई फिर आपने कहा कि आपने 2 मिलियन माइनस किया, ये कितना आ गया? 0.135। अच्छा इन सबको सम करो क्योंकि आखिर तक तो यही जाएगा ना, 0.81। अच्छा भाई अब अगर प्लीज देखिएगा, अब अगर मैं यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट की वर्किंग देखूँ, देखो हमारा पूरा साल तो ये है ना। अच्छा फाइनेंस कॉस्ट नहीं, 4 मिलियन तो जून में जाके पे हो जाएगा ना, आखिरी इंस्टॉलमेंट तो जून के आखिर में पे होगी ना, इंटरेस्ट तो यही है। अच्छा खैर आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको यहाँ तक सम करता हूँ, नहीं नहीं अगर मैं इसको यहाँ तक सम करूँ 0.675 और अगर मैं PNL में जाके देखूं ये आता है, मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसने आखिरी क्वार्टर का इंटरेस्ट ही बुक नहीं किया, तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। देखो याद रखना एक्सपेक्टेड वैल्यूज के अंदर जितनी पॉसिबल एक्सपेक्टेशन आपने बनानी होंगी, लोन की बना ली पर आपसे क्या रह गया? फाइनेंस कॉस्ट। ये बात क्लियर है? तो हमने यहां पे देख लिया कि भाई उसने टेक्निकली 0.135 का इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक नहीं किया हुआ। क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन वालों पहले बताओ ये बात क्लियर है, जल्दी से जी। अच्छा जी भाई ये कैलकुलेशन समझा देता हूं भाई, ये सिंपल हमने बोरिंग कॉस्ट में की थी बचपन में, याद होगा आपको कि हम जब लोन लेके आते हैं और वो रीपे हो रहा होता है तो क्वार्टरली रीपे हो रहा है, तो मैंने ये कहा भाई 12 मिलियन पे इंटरेस्ट में कितने महीने दूंगा? 3 महीने। और फिर 3 महीने बाद एक इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगी, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर मैंने इंटरेस्ट पे किया, फिर मैंने कहा कि भाई फिर पेमेंट होगी, फिर इंटरेस्ट कम हो जाएगा, यानी रीपे करते 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 हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती जा रही है। पर अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ तो मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है 0.81 और फाइनेंशियल्स में कितना रिकॉर्ड हुआ है? 0.675, यानी आखिरी क्वार्टर का इंटरेस्ट अक्रू नहीं हुआ। और ये मुझे कैसे पता लगा? क्या कोई अदर फैक्टर सही है? एनालिटिकल करके इन एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के। क्लियर है भाई शैजल? अच्छा भाई तो मैं इसको रीड कर लेता हूं यहां पे। इट सीम्स दैट DPL हैज फेल्ड टू मेक क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इस लॉन्ग टर्म लोन और हैज मेड अ डिलेड पेमेंट, दिस मे रिप्रेजेंट डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ DPL, फर्दर मोर नो अक्रूवल ऑफ फाइनेंस कॉस्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर हैज बीन। अच्छा ये मे क्यों नहीं कह रहा, तो श्योरिटी से क्यों कह रहा है ये? क्योंकि सर उसने खुद रिकेल किए हमने और हमें कंफर्म है कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, तो इसलिए हमने कहा कि फर्दर मोर नो अक्रूवल ऑफ फाइनेंस कॉस्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर हैज बीन मेड, ये सीधा सीधा बता दिया। अच्छा अब इसमें मुझे देख के बताओ क्या आपको कोई इन्वेंट्री का रिस्क दिखता है? इन्वेंट्री का आपको मैंने सिखाया इन्वेंट्री टर्नओवर डेज निकालना, प्लीज निकालें। कुछ तो खानदानी रेशियोज हैं हमारे, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, डेटर टर्नओवर डेज, वो तो निकाल लिया करो। 47 से इन्वेंट्री डेज, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का रिस्क है, तो NRV लॉस का रिस्क है।
ये देखो वही लिखने का तरीका, द इन्वेंट्री टर्नओवर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 47 टू, ड्यू टू दिस इंक्रीज देयर माइट बी सम ऑब्सोलीट इन्वेंट्री विच रिक्वायर प्रोविजनिंग, या इन्वेंट्री माइट नॉट बी कैरीड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, बात एक ही है दोनों में। शैजिल कह रहे हैं तू अभी तो यही अटका हुआ है भाई, 30 जून 2019 में लोन लिया 20 मिलियन का, इंस्टॉलमेंट 2 मिलियन की पे की, तो 2021 तक बैलेंस 4000 होगा ना, तो चसी मैं भी तो यही कह रहा हूँ 4000 होना चाहिए, आ कितना आ रहा है 6000, कितने का ज्यादा आ रहा है 2000, तो सोल्यूशन में भी तो यही कह रहा हूँ कि उसने आखिरी इंस्टॉलमेंट को या तो रिकॉर्ड नहीं किया या तो पे किया ईयर एंड के बाद। शैजिल क्या हो गया मेरी जान, मैं तो कह रहा हूँ होना ही चार चाहिए ना, अल्लाह की कसम मैं भी यही कह रहा हूं, पर बैलेंस शीट में देखो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इंटरेस्ट वाला आपने 12000 लिया है, अबे तो मेरी जान 12000, भाई एक मिनट रुक जाओ यार देख लो भाई, ओ भाई ये साल का शुरुआत है, ओपनिंग है 2022 का, साल के शुरू में तो 12 मिलियन होगा ना, अब ये 12 ऐसे आया है कि भाई 4 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद। अच्छा भाई अब आखिरी चीज जल्दी से मुझे देख के बताओ, प्री पेमेंट में क्या मसला है, आधे महीने का एक्सपेंस होना चाहिए जो कि हुआ हुआ, एक बार रीचेक कर लो जल्दी से, तो मैं चलो आज की भी एक एग्जांपल सुनाता हूँ, ताकि अभी आज ही रिव्यू कर रहा था, खैर तबीयत भी ऑफ थी पर फिर भी कर रहा था मैं उसका रिव्यू, करते हुए हुआ ये कि उसने मुझे बोला सर रिव्यू कर लें, चिपका हुआ था सर कर लें रिव्यू कर लें, मैंने कहा अब तू आ जा, जब रिव्यू करने बैठे तो उसने बोला सर इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू कर लें, मेरा फेवरेट एरिया है। अब मैं उसने क्या किया हुआ था, कंपनी ने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी डेट सिक्योरिटी में, कहाँ पर डेट सिक्योरिटी में, अच्छा डेट सिक्योरिटी में अगर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो अगर मेरा ईयर एंड 30 जून है तो इंटरेस्ट कब तक बुक होना चाहिए, 30 जून तक बुक होना चाहिए, ऐसा है, कहां तक बुक होना चाहिए 30 जून तक, अच्छा वो मुझे जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा अपने जोन में होगा, उसने देखा मैं थोड़ी तबीयत ऑफ है तो मुझे जल्दी रिव्यू करा था ताकि मैं जाने दूंगा ना, तो खैर उसने मुझे बोला सर देखें ये अकाउंटिंग हुई हुई है इसकी और ये देखें इंटरेस्ट गिरा है 3 अगस्त को आके, अबे मैंने कहा भाई मैं पूछ के आ रहा हूँ इंटरेस्ट कहाँ गिरा है, मैं बोल रहा हूँ अक्रूवल कितना हुआ 30 जून तक, भाई पैसे बाद में आएंगे ना, अक्रूवल तो पहले होगा ना, पैसे कब आएंगे बाद में आएंगे, मैंने कहा मुझे ये बताओ, अच्छा मुझे कैलकुलेशन दिखा रहा उसमें इंटरेस्ट बुक हुआ हुआ था 3 अगस्त तक का, कहाँ तक का 3 अगस्त तक का, मैंने सिर्फ क्या किया एक्सपेक्टेशन बनाई, क्या बनाई एक्सपेक्टेशन बनाई, मैंने बोला ये मैंने इन्वेस्टमेंट की इसके ऊपर IRR लगाया और इतने दिनों का लगाया, यानी भाई 3 जनवरी को इन्वेस्टमेंट की थी, कौन सी डेट पे 3 जनवरी को, अच्छा उस वो इन्वेस्टमेंट का जो टेन्योर था ना 3 जनवरी से लेकर 3 अगस्त तक का था, यानी मैच्योरिटी कब थी उसकी 3 अगस्त को, मैच्योरिटी कब थी 3 अगस्त को, अच्छा ईयर एंड क्या है 30 जून, मुझे आप एक बात बताएं मुझे इंटरेस्ट कब तक का बुक करना चाहिए 30 जून तक का बुक करना चाहिए, मैंने उसको सिंपल एक कहा, मैंने कहा फॉर्मूला लिख, मैंने कहा एक्सेल पे लिख 3 अगस्त, उसने बोला लिख लिया, मैंने कहा 30 जून लिख, मैंने कहा दोनों का डिफरेंस ले डेज आ गए 3 अगस्त से लेके 30 जून तक का डिफरेंस डेज आ गए, अच्छा अगर ये डेज आ गए तो इंटरेस्ट का अक्रूवल मेरे पीरियड में इन दिनों का होना चाहिए, 1 महीना 3 दिन नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इनकम है ईयर एंड के, रिकॉर्ड भी कब होनी चाहिए ईयर एंड के बाद, अच्छा मैंने क्या किया, क्या मैंने कोई उसके डॉक्यूमेंट चेक किए या एक्सपेक्टेशन बनाई, अच्छा मैंने क्या किया डेज निकाले 3 जनवरी से लेके 30 जून तक डेज आ रहे थे, IRR को चिपकाया किसके ऊपर फेस वैल्यू के ऊपर, IRR को चिपकाया किसके ऊपर, यानी फेस वैल्यू कह लो या कैरिंग अमाउंट कह लो, कैरिंग अमाउंट के ऊपर IRR को चिपकाया, डेज से मल्टीप्लाई किया और मुझे मिल गया इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, इंटरेस्ट इनकम, अच्छा उसकी इनकम रिकॉर्डेड थी ज्यादा, क्यों उसने जो अकाउंटिंग की हुई थी वो ज्यादा दिनों की हुई थी, यानी उसने जो इनकम अगले साल बुक करनी चाहिए, पर ये डिटेक्ट कैसे हुआ एक्सपेक्टेशन से, तो हम भी यहां क्या बना रहे हैं एक्सपेक्टेशन, तो जब आपको कुछ चीजें पैरामीटर्स मिल जाते हैं ना तो आप रीकैलकुलेट करके चेक करते हैं,
अगर वो रिकैलकुलेशन करके आपको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलती है उससे कोई डिफर करा तो मतलब वहां पे मसला है। तो मैंने जो आज आपको अभी एग्जांपल दी उसमें भी तो मसला था, उसमें मसला क्या था कि एक महीना तीन दिन की इनकम क्या बुक हुई हुई थी ज्यादा, जो कि होनी चाहिए थी इस पीरियड में या अगले पीरियड में, अगले पीरियड में, दिस इज कॉल्ड कट ऑफ इश्यूज, कि होनी चाहिए यहां तक हुई हुई थी आगे तक। तो खैर यहां पे भी अगर प्री पेमेंट की बात करूं तो प्री पेमेंट में क्या बता रहा है वो कि भाई छह महीने का हमने एडवांस दिया हुआ, तो 2.5 लाख को छह महीने से मल्टीप्लाई करो तो सही तो आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू। अच्छा सही है सही है, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि हमें इतना तो पता है कि जब 15 दिन हो चुके हैं तो वो एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए, तो जब वो 15 दिन हो चुके हैं तो एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए तो क्या वो हुआ हुआ है? नहीं हुआ हुआ। तो क्या ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू पे बैठता है या डिफर कर रहा है? तो आप क्या ये श्योरिटी से कहेंगे ये एक्सपेंस होगा या मे बी कहेंगे? श्योरिटी से कहेंगे, क्योंकि आपको पक्का पता लग चुका है कि ये गलत है। सही है जी, तो हम इसको जरा रीड कर लें यहाँ पे। सिंस द वेयरहाउस वॉज ऑप्टेन ऑन 16 जून, एन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹1,25,000 शुड बी ट्रांसफर टू PNL एंड प्री पेमेंट शुड बी रिड्यूस टू 1375 इन द स्टेटमेंट ऑफ। अब आप शुड भी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा कंफर्म हो चुका है कि ये चीज गलत हुई हुई है, जिसको होना चाहिए सही। बात क्लियर है? पक्की बात है। चलिए जी, अब क्या कहते हो बात सुनो, और एनालिटिकल दो क्लासे और, सही है, दो क्लास है और एनालिटिकल की, और फिर प्रैक्टिस तो होती रहेगी इसकी। सही है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़। हाँ।